आज हम लोग वन प्लस टेन प्रो के बारे में जानने वाले हैं, क्या उसके फीचर्स है और कब इंडिया में लॉन्च होने वाला है। आप में से बहुत लोग हो उसके का अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाओ, तो मैं अनबॉक्सिंग का वीडियो भी बना के रखा हूँ। चलिए शुरू करते वीडियो को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम पांडे और आप देख रहे हैं ITG नेटवर्क। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक, जिससे आपको लेटेस्ट टेक का वीडियो सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हर मोबाइल का रैम बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर रैम आपको कम मिलेगा तो उसके स्पीड जो रहेगा वो बहुत कम रहेगा, मतलब स्लो चलेगा फ़ोन आपका। तो इस वन प्लस टेन प्रो में आपको 8 GB रैम मिलता है। और रोम की बात किया जाए तो इसमें रोम आपको 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है, जो बहुत अच्छी बात है इंटरनल स्टोरेज में, क्योंकि इंटरनल स्टोरेज आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। उसके बाद बात किया जाए इसका बैटरी के बैकअप का, तो आपको इसका बैटरी बैकअप 5000 mAh की मिल रहा है। 5000 mAh की बैटरी आपको मिल रहा है, जिससे आपको गेम खेलते तो आपको बहुत देर तक, मतलब एक 4, 5, 6, 8 घंटे 12 घंटे तक गेम खेलेंगे तो आपकी बैटरी जो है वो डाउन नहीं होगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, इसको कहीं भी आराम से लेके जा सकते हो। उसके बाद बात करिए इसका कोड प्रोसेसर की, क्योंकि हर फ़ोन में कोड प्रोसेसर जो होता है वो मेन होता है, उसके बिना फ़ोन चल नहीं सकता। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 8th जनरेशन का कोड प्रोसेसर लगा हुआ है। उसके बाद बात किया जाए इसका एंड्रॉयड, आप जब बहुत लोग अभी लेटेस्ट एंड्रॉयड आया है, इसमें लेटेस्ट एंड्रॉयड 12 आपको मिल रहेगा OS वर्जन में। रुको जरा, सबर करो। बात की जाए इसका रिफ्रेशिंग रेट का, तो रिफ्रेशिंग रेट 120 GHz से जो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल रहा है, स्मूथ चलेगा आपका फ़ोन। उसके बाद किया जाए इसका कैमरा की, कैमरा आपको बैक साइड पे आपको 3 कैमरा मिलता है, 48 MP का, 50 MP का और 8 MP का आपको कैमरा मिलता है। अब बात किया जाए सेल्फी, आप में से बहुत लोग बहुत सेल्फी खींचते होंगे, जिसमें आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। उसका अब फ़ोन का हो गया, फ़ोन का अंदर का सेटिंग्स बता दिया आपको कि इसमें क्या क्या आपको फीचर्स मिल रहे हैं। अब बात करते हैं उसमें उसका डिस्प्ले साइज़ कितना है, तो इसमें आपको 6.7 इंचेस का डिस्प्ले साइज़ मिलेगा विद गोरिल्ला ग्लास। जैसे कि लॉन्च किया, अब आखिरी सवाल रहेगा ये लॉन्च हो कर रहा है इंडिया में, तो चाइना में 11 जनवरी को ही लॉन्च हुआ हो गया है। तो अब उसको ग्लोबल आने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी इंडिया में अभी अवेलेबल हो जाएगा सब जगहों पे। तो थोड़ा टाइम आप इंतज़ार करिए, उसके बाद आपको फ़ोन मिलना चालू हो जाएगा हर जगह पे।